सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। इन दिस व्लॉग हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वे और यहाँ पर करने एक धमाकेदार बैटल जो कि होने वाली नेकेड वर्सेस फेयरिंग। तो दोनों बाइक्स की बात कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बाइकों के बीच में। एक हमारे पास NS400Z बजाज की पल्सर और दूसरी हमारे पास होंडा की CBR 250R। तो दोनों के पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो NS में हमको देखने को मिल जाता है 40 PS की पावर और 35 Nm का टॉर्क, और होंडा की बात करते हैं तो इसमें 25.7 PS की पावर देखने को मिल जाती है और 22.9 लगभग 23 Nm का टॉर्क इसमें देखने को मिल जाता है। बट हम लोग ड्रैग इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये थी फेयरिंग के साथ और दोनों का प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इस वजह से हम लोग ये ड्रैग करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे मिलते हैं आपको बाइक के ऊपर। तो अभी हम चलाने आ रहे हैं कुंदन भाई चलाने हैं CBR और देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। ये निकली भैया, आराम से चलेंगे आराम से चलेंगे, टक भी नहीं करेंगे। अरे भाई साहब क्या मजाक लगा रखा है, ये क्या मजाक है ये। चलो मजा चखाते हैं, बहुत तेजी से भाग रही है, बहुत तेजी से भाग रही है। आराम से चलेंगे, कोई मतलब नहीं है टक करने का। क्या भाग रही है RNS, इसके मुकाबले तो भाई तगड़ी भाग रही है क्योंकि ये 250 है सिर्फ। देखते कितनी भाग पाता है मेरी गाड़ी। बहुत पावर है भाई इसमें, 160 टच कर चुकी है मुझे टक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टक करने की जरूरत नहीं है। चलो अबे टक करते हैं थोड़ा, बहुत सही भाग रही है 160। अरे हरा दूंगा भाई, अबे भगाओ ना भगाओ, क्या यार भाई की फट जाती है। आओ देखे निकल पाते हो कि नहीं निकल पाते हो, लंबा करने का कोई मतलब है नहीं। चलो निकालो निकालो निकालो, मौका दे रहे हैं, चलो अभी देखो इनको मजा चखाते हैं। चलो निकाल लिया है, कर चुके पावर की बात, अभी देखो इनसे निकालते हैं आगे, मजा ले रहे हैं। अरे इसकी तो आप देखो इनसे आगे निकलते हैं, अबे आगे से वो है, अबे आगे गाड़ियां हैं भाई, पूरे रास्ता ही बंद है इधर से। पूरी रास्ता ही बंद है भाई, निकल पाएंगे देख लेना। आ गया है, नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। मैं निकाल लेता लेकिन पूरी रास्ता इधर से बंद थी, स्लो करनी पड़ी। तीनों तुम रो
कहाँ निकल गए थे? मैंने कब का खत्म कर दी थी? अरे नहीं, क्यों नहीं निकल पाए मेरे साथ? क्योंकि भाई आगे पूरी रास्ता पूरी बंद थी, पूरी रास्ता। अबे भाई एक एक लेन वो भी वो सर्विस लेन खुली थी। अरे जाओ हफर जी, मैंने एक बार भी डक नहीं किया, मेरी वीडियो में देखना तुम। मोड़ पे हमेशा गाड़ी रोकते हैं। अभी देखते क्या रहता है रिजल्ट। हम चलाने जा रहे हैं CBR और बाइक को दे दी हमने पावरफुल बाइक, तो देखते क्या रहता है। तो कुंदन भाई आराम चल रहे हैं, अब देखते टॉप एंड में क्या रहता है, कुछ होता नहीं होता। हम भी टिक टक नहीं करेंगे, देखते हैं। अब कर लेते हैं सारे घर हमने उड़ा दिए। गजब पैसे भाग रही है, टॉप एंड अच्छा होने वाला है इसका। इधर से विंडोज काफी ज्यादा है, इधर से 150 टच ही नहीं करी इसने। 160 प्लस लेके गया। नहीं नहीं इधर से नहीं टच कर रही है। 165 लेके गया। हाँ उधर से तो मैं भी लेकर गया था इधर से, लेकिन विंडोज ज्यादा है। अबे भाई हवा उधर चल रही है देखो। चलो भाई, सो रिजल्ट्स आपके सामने, दोनों बार की अपनी विनर रही है NS 400। और मज़ा आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छा इंजन है इसका, बट उसका पावर फिगर से इंजन सब कुछ बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई NS जीत जाएगी। बट भाई प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो NS काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे ये पावर दे रही है, तो आपको अगर दोनों बाइक्स में से कोई एक लेनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी तरफ जा सकते हैं, ज़्यादा पावर ज़्यादा टॉर्क सब कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ़।